हेलो स्टूडेंट्स सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ओके? इसमें हम जीरो की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हेयर आर टू बर्ड्स यहाँ पर टू बर्ड्स हैं। वन बर्ड फ्लाइज अवे वन बर्ड मतलब एक चिड़िया एक बर्ड उड़ जाती है ठीक है देन द अदर बर्ड ऑल्सो फ्लाइज अवे उसके बाद में दूसरी बर्ड भी उड़ जाती है ठीक है ये एक ब्रांच है जिसपे टू बर्ड्स बैठी हुई है उसमें से एक बर्ड उड़ जाती है और उसके बाद में दूसरी बर्ड यानी कि दोनों बर्ड उड़ जाती है सो हाउ मेनी बर्ड्स नाउ तो फिर कितनी वहां पर बची ओके okay? आपको समझ में आया यहां पर टू बर्ड्स बैठी थी दोनों बर्ड्स उड़ गई तो वहां पर कितनी बर्ड्स बची नन मतलब एक भी बर्ड नहीं बची ओके नन इज रिटर्न एज जीरो नन को हम कैसे लिखते हैं जीरो मतलब जब कुछ भी नहीं होता है तो उसको हम लिखते हैं जीरो से ओके okay? so now let's see the properties first property is when we subtract a number from itself the result is zero jab hum subtract karte ek number ko usi number se theek hai to kya answer aata hai zero hota hai okay 2 और 2 2 में से 2 को minus किया तो कितना answer आया zero okay now second property when we add zero to a number the number remains same और जब हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं सी यर वी उसमें अगर हम जीरो को ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो आंसर टू आएगा वो ही नंबर आता है ठीक है नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी देर आर टू एप्पल्स ऑन प्लेट राम डज नॉट टेक एनी एप्पल फ्रॉम इट ठीक है एक प्लेट में दो एप्पल्स हैं और राम ने उसमें से एक भी एप्पल नहीं लिया उस प्लेट से एक भी एप्पल नहीं लिया हाउ मेनी एप्पल्स विल बी लेफ्ट ऑन इट तो उसमें कितने एप्पल्स बचेंगे ठीक है कोर्स द नंबर ऑफ एप्पल्स रिमेन सेम दैट इज टू मतलब अगर इस प्लेट में टू एप्पल्स रखे हुए हैं और राम ने एक भी एप्पल नहीं लिया तो उसमें कितने एप्पल्स बचेंगे जब उसने एक भी एप्पल नहीं उठाया तो इसका मतलब नंबर उतने ही एप्पल्स जितने थे उतने ही रहेंगे मतलब टू एप्पल्स पहले थे और बाद में ही टू रहेंगे ओके दैट इज वेन वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम रिमेन्स सेम अगर हम किसी भी नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ही नंबर आता है ठीक है तो ये थ्री क्या है आपकी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसी भी नंबर से अगर उसी नंबर को माइनस करोगे माइनस साइनों के माइनस करते हैं तो जीरो आता है ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी है जब किसी भी नंबर में हम जीरो प्लस करते हैं तो वही नंबर आएगा जैसे कि टू में जीरो प्लस किया तो टू ही आया नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज अगर किसी भी नंबर में से हम कुछ भी नहीं हटाते हैं यानी कि जीरो माइनस करते हैं जीरो का मतलब कुछ भी नहीं ओके okay? जब टू में से हमने जीरो माइनस किया तो टू ही आया ओके okay? अगर किसी भी नंबर में जीरो प्लस करोगे तो वो नंबर आएगा ओके okay? तो ये आपकी थ्री प्रॉपर्टीज है ऑफ जीरो नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं so, सो फिल इन द बॉक्सेस तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर से माइनस करोगे तो जीरो आएगा ओके okay? थ्री में से थ्री को माइनस करोगे तो जीरो आएगा ओके okay? सेवन में से सेवन माइनस करोगे तो जीरो आएगा ठीक है देखिए कैसे जैसे कि वन टू थ्री थ्री लाइंस मैंने बनाई उसमें से थ्री माइनस करना है वन टू थ्री तो कितनी लाइंस बची एक भी लाइन नहीं बची इसीलिए हमेशा ठीक है तो वही फर्स्ट प्रॉपर्टी उसी फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम यही चीज करते जाएंगे eight में से eight को करेंगे तो आंसर आएगा जीरो ओके रेस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन आप खुद करेंगे नाउ दिस इज प्रॉपर्टी नंबर टू उसके बेस पे एक्साइज है ओके okay? कि अगर किसी भी नंबर में जीरो प्लस करेंगे या कि किस जीरो को किसी नंबर में प्लस करना या किसी भी नंबर में जीरो को प्लस करेंगे तो आंसर वही नंबर आएगा जीरो प्लस वन वन जीरो प्लस थ्री थ्री ओके जीरो प्लस फोर फोर ओके जीरो प्लस फाइव फाइव ओके जीरो में फाइव प्लस किया फाइव आ गया नाउ थ्री में जीरो प्लस किया तो थ्री आ जाएगा ओके okay? सिक्स में जीरो प्लस करेंगे तो सिक्स आएगा और एट में जीरो प्लस करेंगे तो एट आएगा ओके नाउ दस क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी नंबर थ्री में है वन माइनस जीरो मतलब किसी भी नंबर से जीरो को माइनस करोगे तो वो ही नंबर आएगा तो वन माइनस जीरो इज वन सेवन में से जीरो को माइनस करेंगे तो सेवन थ्री में से जीरो को माइनस करेंगे तो थ्री ओके और फोर में से जीरो को माइनस करेंगे तो फोर आएगा ओके नाउ दिस इज योर नेक्स्ट एक्सरसाइज मैच द कॉलम ओके जीरो में फाइव को प्लस किया तो फाइव ही आया ठीक है अब में से अगर आप सिक्स माइनस जीरो सिक्स में से जीरो को माइनस करोगे तो क्या नंबर आएगा सिक्स में से जीरो को माइनस करेंगे तो वही नंबर आता है तो सिक्स आएगा जीरो में टू प्लस किया तो टू आएगा ओके okay? फोर में जीरो माइनस करेंगे तो फोर आएगा एट में जीरो माइनस किया तो एट आएगा ठीक है कॉलम ए में आपके क्वेश्चंस थे और कॉलम बी में आपके आंसर्स आपको बस इन्हें मैच करना था ओके okay? सो so, इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज है पूरी प्रॉपर्टीज ऑफ zeros okay